1942 में बने आप। और मांगेराम उस टाइम जिला का प्रधान होया करता है। मांगेराम जिले के प्रधान थे मांडोठी वाले। आज हम चौधरी रामकिशन कामरेड हैं, हमारे किसान सब आके हरियाणा में सबसे पुराने सदस्य, ये 93 साल वर्षीय कॉमरेड रामकिशन। वास्तव में इन्होंने किसान आंदोलन का पूरा इतिहास देखा है और ये 1959 में हरियाणा और पंजाब जब इकट्ठे थे उस समय पर पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम के बनाने की एवज में किसानों के ऊपर बेटरमेंट लेवी लगा दी थी। वो एक तरह का टैक्स था इस नाम का कि पानी मिला करेगा, लेकिन वास्तव में ये क्योंकि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो खेती बाड़ी के लिए तमाम तरह की सुविधाएं जुटाए, इसलिए किसान सभा ने एक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा था जिसको एंटी बेटरमेंट लेवी एजिटेशन कहते हैं। उस आंदोलन में कॉमरेड रामकिशन की 2 महीने की कैद हुई थी और 200 रुपये जुर्माना हुआ था। हम खुशकिस्मत हैं कि किसान सभा में आज काम करते हैं और उनके साथ बैठे हैं और वो किसान सभा के कार्यालय में आम तौर पर आते रहते हैं यहाँ पर, तो हमें उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। इनका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में बड़म गांव है, वहाँ से ये संबंधित हैं। तो इस मौके के ऊपर कुछ सवाल, कुछ जानकारियाँ हम कॉमरेड रामकिशन जी से लेना चाहेंगे। तो कॉमरेड, आप जब किसान सभा के सदस्य कब बने थे? सब कब बने थे? सब क्या बने थे, डरे थे। कद बने थे? कद सन 1942 में बने आप। और मांगेराम उस टाइम जिला का प्रधान होया करता है। मांगेराम जिले के प्रधान थे मांडोठी वाले, वो प्रधान थे। वो प्रधान तो फैक्ट्री होया करता डोब का, बम्बन। अच्छा, तो डोब गांव के थे वो सेक्रेटरी हैं? डोब गांव का सेक्रेटरी था। हाँ, उनका क्या नाम था जी? कोई नाम याद, नाम याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो भी पंडित था। वो पंडित थे वो। अच्छा अच्छा, तो कितनी फीस लगती थी मेंबर बनने की? फीस कांग्रेस थे वो तो चेहरा ने बना लिया करते। नहीं, किसान सब आके मेंबर बने, दो अन्य बना करते, दो अन्य के, दो अन्य लगते थे किसान सब आका मेंबर बनने के। हम जो थे मेंबर रेनियरी, जो चंदे होता ना फसली, हाँ हाँ, तो उस जमाने में कांग्रेस ही करा करते और कम्युनिस्ट और किसान सब आ रहे थे। अच्छा, उसमें मदद गनी करा करते। अच्छा, हाँ, 2 किलो घलाया किया, 3 किलो घलाया, यह एक अंदाज बना रहा क्या, छोटा सा लोकटा सा का एक बाल्टी थी, तो उसे मदद गणी किया करती। चार आने की तो दो आने की तो मेंबरशिप थी, लेकिन फसली चंदा करते थे अनाज की शक्ल में, और उस टाइम पर कांग्रेस भी चंदा करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी चंदा करती थी, और उसी के साथ किसान सभा का भी चंदा अनाज के रूप में होता था। अच्छा, रोहतक में दफ्तर था। रोहतक में दफ्तर था? हाँ। अच्छा, आचार्य जी पहले तो कई जगह रहा, फिर जो दफ्तर रहा जिसका चिमनी का प्रधान था, और बहन झाझर में जो झाझर मोड़ पर, हाँ, और दो मंजिला में रहा करता, और फिर क्या नाम था उसका चिमनी का जो था भाई? नाम याद कोई नहीं, तीन दिन के लिए। अच्छा, और था ब्रह्मचारी गुरुकुल पदार। रिसाल सिंह तो नहीं था? हैं, रिसाल सिंह नहीं, नहीं मेरा। अच्छा, हाँ, ब्रह्मचारी था गुरुकुल मरे जा। अच्छा, फिर वो बड़ दिया ने मार लिया, कोई भी ले जाएगी 35,000। अच्छा, हाँ,
ये तो पुरानी बात है, ये घनी पुरानी कोनी बात ये। हाँ हाँ, वो जो झज्जर चुंगी पर रहता था। हाँ, ये तो बाद की बात है, ये तो 1974-75 की बात की है, 74-75 की है। हाँ, उनको तो जानता हूँ मैं। हम उनको जानते हैं, ऋषाल सिंह नाम था। ऋषाल सिंह, ऋषाल सिंह वो तो याद है मेरा। लेकिन पहले जब आपने जब आंदोलन करा, बेटरमेंट लेवी आला, उस आंदोलन में कहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी आपकी? ये रोहतक से हुई थी, जाट कॉलेज आ गए थे। जाट कॉलेज आगे से जुलूस चला था और दौलता का अंडर में हुई थी। अच्छा, प्रताप सिंह दौलता के नेतृत्व में। हाँ, बाद में जो एमपी भी बने प्रताप सिंह दौलता, उनके नेतृत्व में। हाँ, 16 आदमी का जत्था था हमारा। 16 आदमियों का जत्था दौलता का शायद। अच्छा, तो सब 16 के 16 जेल में गए थे जी? 16 के 16 जेल, 16 के 16 जी। अच्छा, ना ना मिला, 200-200 रुपये जरूर ना हुए। अच्छा, फिर प्रताप सिंह था, उसने ऑर्डर कर दिया कि तो था वो पकड़ो। अच्छा, प्रताप सिंह कैरों ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर दिया था जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के। अच्छा, पता चलता रहे ऐसे, उसने कह दी पहले मैं छोटू राम की मूर्ति के आगे गिरफ्तारी दूंगा। मैर मेरी पार्टी गिरफ्तारी देंगे हम। हाँ, छोटू राम की मूर्ति आगे। हाँ, तुमने यह मूर्ति घेर ली। हाँ, याद है नहीं? हाँ हाँ, और वह जो छोटू राम स्कूल आगे बनी थी, स्कूल आगे बनी। हाँ हाँ, वो रेल में गया दिल्ली तो बैठा साइकिल पे, कलहाड़ उतरा साइकिल पे, कलहाड़ दूसरा खड़ा कर साइकिल वाला। हाँ हाँ, ना कहे पुलिस पकड़े से आएगी। हाँ हाँ, उगा थे बैठ के एक दो और था उसके साथ, वो फिर आ रहा नहीं, गिरफ्तारी गई पुलिस उड़े पड़ी रही। अच्छा, हाँ झांसा दे गया। चौधरी छोटू राम के बुत के आगे देनी थी और यहाँ जाट स्कूल के पास शाम हो रहे, ये फोटो ला रहे थे। हाँ, छोटू राम का। हाँ, उड़े गई फिर उड़े समाधि पड़े रहे। चौधरी छोटू राम की समाधि भी है जाट स्कूल में, उस तो समाधि वहाँ गिरफ्तारी है के पांव। हाँ, वहाँ बुत लगा हुआ है। हाँ, तो वहाँ गिरफ्तारी दे दी। हाँ, और पुलिस वहाँ पड़ी रही। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो नहीं जाने आ रहा गिरफ्तारी है, घरा कोठी में होगा, कोठी का पहरा उड़े चक्कर काटी गए और देख। फिर बाद में पुलिस वाले यहाँ आ गए, हम देख के दो दिन में तो पहले आ जाओ, दूर दूर बैठ गए। अच्छा, वो आया जो शहर दिया। फिर वो आंदोलन कितने दिन चला? वो तो जी आंदोलन तो याद कम से कम 2 महीने जरूर चलेगी। 2 महीने जेल में रहे। 2 महीने तो आप जेल में रहे। आंदोलन तो वो लंबा चला था, साल भर का। हाँ, लंबा चला। हाँ, था। फिर मारा गजन गया करते, अरे भजन गया करते जेल के वहाँ। हाँ, जो घटना घटती ये भजन है, जब वो भजन बना रहे थे। हाँ, और जब वह दवाई देते थे ये डॉक्टर भी जा रहे थे। हाँ, अकेले मैगा मारा आ जाए बिना दुकान ना रहे, सरकार तो रहते ले रहे हो जाए को थोड़ी बहुत। वो लुधियाने में जो गांव है मतियाना। हाँ, जब उन्हें भजन जोड़े था जिला लुधियाना गांव एतियाना, उसमें बहे खून के नाले। हाँ, तो वह जिला लुधियाना गांव मतियाना, उसमें उसमें बहे खून के नाले। दो महिलाएं भी शहीद हुई थी, किसान महिलाएं। हाँ, बताऊंगा ना अभी। तो वह तो थे जेल में उनके घर के। अच्छा, और वह लग गए उन्हें बल्द भैंसन खोल लेने। तो वह उनका ये दस्तूर था, थाना में जवाब दे जाए जुर्माना दे। अच्छा, छुटा ले जाए उनने, को ना छुटाना हो तो उसमें दे दें तो क्या करें, गौशाला में छोड़ दे कोई ना छोड़ा आप उगा के ले। ओ, तो फिर वो शहीद होगी। फिर जो चूड़ी से झाड़ू वाली उन्होंने सारे काम करे उनके। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि महिलाएं जो थी उन्होंने काम किया उन महिलाओं के घर में जो शहीद हुई थी। दिखाई काम करे हमदर्दी दिखाई। ओ, हमदर्दी दिखाई,
सब गंभीर क्या था सुबह सब कुछ डर गए थे, बाकी बाकी लोग काम करने को तैयार नहीं थे ना, वो वाल्मीकि महिलाओं ने मदद करी। हाँ, राजनीति महिला है, पूरी मदद करी। ओ जो राजनीति महिला थी। अच्छा अच्छा। और सारा काम तू 13 दिन तक बैठा है, 13 दिन तक नहीं कहूँगा हाथ नहीं लाऊंगा। ओ और फिर गए घने, आंदोलन का था रौला, एक थोड़ा सा गुस्सा था लोगों में, गुस्सा था, गुस्सा कारण गए, प्रेम का नहीं गए, वो गुस्सा था थोड़ा सा ज्यादा। फिर वो आंदोलन वापस कैसे हुआ, जो आंदोलन उल्टा लिया? हाँ हाँ, तो मांग मान ली थी, सौ मान ली थी। अच्छा, सौ की सौ मान ली। माफ हो गया वो टैक्स? अजी टैक्स हटाना पड़ा कैरों सरकार को। हाँ अच्छा। तो आप किसान सभा में जब काम करते थे, किसान सभा में, तो किस तरह की गतिविधियां करते थे, के कार्रवाई करा करते, दूसरे गांव में भी जाते होंगे? हफ्ता में एक मेरी बैठक में तो बैठक उनकी सारे की मीटिंग होया करती। अच्छा, आपकी बैठक में मीटिंग होती थी? हाँ, बैठक में होकर बैठक की भी सब बूझ लिए, तो इन सारे घर जाएंगे। अच्छा, 5-7 आदमी बैठे रहे थे। हाँ, हूँ ना हूँ। हाँ अच्छा, तो मतलब है नहीं कोई। और के समस्या थी किसाना की उस टाइम पर? हैं, और के समस्या थी किसाना की उस टाइम पर? समस्या की के इतनी दिक्कत नहीं, तो कोई बूझे ना था इन्हें। अच्छा। हाँ, कोई बूझे ना था, कोई पूछ नहीं थी। हाँ, और डरिया करके से पाई जा रहा, लुक क्या करके। अच्छा। हाँ, हमारा गांव में जाते मौका पिए थे 2 दिन। हर मुसलमान था हिंदा, ये भी बताओ देने 47 40 40। अच्छा, मेरा सीधे सुनाने जाता गाँव माँ से हर उतर के और दो मारूँ। अच्छा, मतलब दुआ ने सलाम में बहन के ऊपर बजाव ला गिरे से ये हालत क्यों खाऊँ हमारे। तो डरते थे लोग हैं ये थोड़े, और आप नहीं डरते थे किसान सभा वाले? जिसकी शर्म खुल गया, डर खुल गया, डर बढ़िया ना करे। हाँ, शर्म खुल गया, खूब बोला, 1000 आदमियाँ बोल गए, लाखों बोल गए, और उनके 5-4 महीने बोल रहे। मतलब हिचक नहीं थी? हैं, झिझक नहीं थी, हिचक नहीं थी भाषण देने में ना। हाँ, और डर नहीं था, खुल गया था डर। हाँ, फिर दूसरे गाँव में भी जा करते प्रचार करने? वो कहते हुए जाते हम। अच्छा। मेंबर बनाया करते किसाना ने किसान सभा के? किसान सभा के बनाया करते वो खुद तो बनाता, देखा नहीं हमने क्या बनाता है भगवान मेरा। हाँ हाँ, वो तो हमारा प्रधान था ना, प्रधान पैसे बिना तो काम कितने ही ना था। हाँ, कितने भी कोई कार्य पूरा नहीं। हाँ हाँ, तो चेहरा ने कांग्रेस के थे मेंबर जी। अच्छा। हाँ, फिर कह वो बने कांग्रेस के मेंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इब भी किसान सभा, अब जो किसान सभा है। हाँ, वो तो मिलते होंगे आपसे, हमारे साथी ना, खूब प्रेम से मिलने, प्रेम से मिलते, मिलया करे प्रेम से मिलने। एक बात ठीक है। हाँ, तो आपको अच्छा लगता है जब किसान सभा का काम बढ़ता है तो? ना, घना घना खुशी होया करे कोई हो। हाँ हाँ हाँ, किससे कौम का हो, किससे पार्टी का हो। हाँ, समझे ना, किसी भाषा जानता हो। हाँ, इलाका को, उसमें खुश हो जाता है, खुशी होती है। उल्टा काम करे जब भी खुश होगा। वह प्रेम होता है इतना ना, जब उल्टा काम करे जब भी खुश। चलो, आपकी लंबी उम्र हो ऐसी हम कामना करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। हाँ, आप जब दिखाई देते हो दफ्तर में आ जाते हो। हाँ, तो हमारा हौसला बढ़ता है उससे, और आपको देख के हमारा ना, भी हमारे पास कोई चीज ना रही, हौसला बढ़ा। हाँ, बस मुर्दे आपका जीवन तो है, जिंदा को ना मुर्दे हांगा। आपका जो जीवन है वही हमारे लिए बहुत बड़े हौसले की बात है, इसीलिए आपसे ये बातचीत हमने करी।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की जानकारी हो। एक उल्टान था मध्यल का, हाँ, मन ने देख ले उसने देख ले, हाँ हाँ, इतना काम कर लिया, इतना अनथक। के नाम था? सुल्तान। सुल्तान मद्दल का, मद्दल गांव का। अच्छा, देखा हुकुम सिंह भी हमने, हाँ, वो सोनीपत वाले हुकुम सिंह दैया, इसकी हालत, इसकी जो गहरी हालत, उसकी कमी थी। ओ हाँ, कमी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, ये जो हुकुम सिंह थे, हुकुम सिंह दैया जो थे सोनीपत वाले, वो तो एमएलए भी बने थे बाद। एक बार बने, एक बार दो तब वो बनिया एम पी रो बनी, साठ बने थे थोड़ी, हाँ, उनसठ में है वो एम एल ए। अच्छा अच्छा, उनसठ में एम एल ए, हाँ हाँ, जलसे हम बुलाए थे। अच्छा, दौलता है। अच्छा, आप जलसे में गए थे गोहाना? फिर मेरा गांव का चप्पर ऐसी लग रहा था तो जानना में एक दूसरे के रोज तक। अच्छा, उससे भिटके फिर रहे थे। अच्छा, हर ना तो जो ये तो केस लिया करता ना, कोई सीधा काम बच रहा वकील का काम से। तो और तो सब जगह रोटी चाय मिल ली हमने। हमने एक महीना तक घूमे जो कई कई महीने राज्य कोसली से कोसली पूरा तीन चार नहीं गया, इतना रोटी हुआ। ओ इतने निर्भाग रेल का स्टेशन आते, वो रोटी पूछती, पूरा शराब आती, शराब पियो रोटी खाओ। अच्छा, विद्यानंद था वो गाने गाने लग जाता। अच्छा अच्छा, फिर फैल जाए। अच्छा, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम किसान सभा की राज्य कमेटी की तरफ से आपको सलाम करते हैं। अच्छा, हाँ।